भालू बेटे भालू 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 बच्चा कैसा है हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग? ये क्या हो रहा है भाई? मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ये टूट कैसे रहा है? हैं, ओ शिट, यहाँ पर भी नहीं हुआ ना, तो इसे जाने दो। तो यार लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ये एक घर बनाने वाला हूँ, वो भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो यार ऑनलाइन में तो काफ़ी टाइम जाता है, उस टाइम टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस समय काफ़ी टाइम जाता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस घर को कंप्लीट किया है ऑफलाइन। तो ये रहा हमारा, अरे भाई साहब सही में यार मैं चौंक गया, मेरा आधा घर किधर गया भाई साहब। मतलब ये इस रेंडरिंग में भी इतना प्रॉब्लम होता है ना कभी कभी। तो ये है हमारा टावर हाउस। तो देखो यार, तुम्हारे भाई ने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है, जगह जगह गधों की तरह काम किया है, तब जाके ये स्नो इकट्ठा हुई है। और ये मैं तेरे चप्पल मारूंगा हरामी, भाग ऐसे। अरे जा ना, क्यों आ जाता है, क्यों आ जाता है, हमेशा क्यों आ जाता है यार। तो ये है हमारा घर, चलो अंदर से चेकआउट करते हैं। मैंने तो किया हुआ है आपको कराना है। तो ये बाहर मैंने ये लगाया है, इससे दरवाज़ा ओपन होता है, सबको मालूम है ये। फिर यहाँ मैंने लगाई हैं सीढ़ियाँ। यहाँ सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ है यहाँ से ऊपर जाना, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ पर मैंने चेस्ट भी बना के रख दी थी, इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा है मैंने। यहाँ पर बीज रखे हैं, नहीं अभी तो मुझे लगाने बाकी हैं बीज। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्नो रखी है, यहाँ पर थोड़े बहुत हथियार हैं, और यहाँ पर बस ये सब है। तो ये वाली खाली थी, इसमें मैं ये डाल देता हूँ। तो यार अगर तुमने हमारा घर देखा, अच्छा एक चीज़ और रह गई, यहाँ से मैंने सबसे टॉप के लिए भी एक चीज़ जगह बनाई है, वो रही ये। यहाँ से भैया पूरा इलाका दिखता, सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये देखो। और अगर यहाँ से गलती से मैं फिसल गया, मौत निश्चिंत है। तो इलाका तो दिख ही गया होगा तुम्हें। तो चलो यार सोकर इस गेम को सेव करते हैं। तो आज सुबह हमें निकलना है माइनिंग के लिए, क्योंकि माइनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, तभी तो नाम है माइनक्राफ्ट। अरे आलू पड़ा है हमारे पास, भुना हुआ आलू है। खाने के साथ साथ डकर कैसे मार लेते हो बे? अरे कहाँ से आ जाते हो बे तुम लोग, हैं? कौन है, कौन मार रहा है यार? शिट, तू है किधर, कौन है भाई साहब? अच्छा, ये रहा। भाग यहाँ से। ओ भाई साहब यहाँ पर भी केव है एक, ये बहुत सही है, लेकिन हमको यार लकड़ियाँ चाहिए, क्योंकि टॉर्चेस बनानी, नहीं टॉर्च तो है मेरे पास, हमें पिकेक्स बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। डर भी लग रहा है, ये तो यहीं पर मिल गया यार हमें। आयरन तो चाहिए था वैसे भी, नहीं ये इससे नहीं टूटेगा, मुझे मालूम है ये इससे नहीं टूटता यार, वेस्ट हो जाएगा आयरन, वेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम ले लेते हैं सिर्फ पत्थर। तो क्यों मैं यहाँ से जाने की जगह, अगर ये मैं यहीं पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना के, क्या कहते हैं उसे,
ये रे क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगी यहाँ पे, बनी कि नहीं बनी? ये रही क्राफ्टिंग टेबल, चलो हम बनाते हैं एक पिकैक्स, एक दो तीन, ठीक है। तो ये तो पिकैक्स तो इतनी बन गई, शुरुआत यहीं से करते हैं। हाँ भाई साहब, अंदर कुछ होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। A few moments later. तो ये रास्ता तो बेकार है, तो हमें जाना पड़ेगा। Which? भाई सही में यार बहुत बुरा डर गया यार मैं। ओ भाई साहब, अगर फेस कैम होता तो तुम लोग मेरे रिएक्शन देखते यार। मर गया मर गया मर गया मर गया भाई साहब। ओ भाई साहब सही में यार, मतलब जो चौंकाया ना इस प्राणी ने, क्या बताऊं मैं भाई, मेरे रोंगटे टेढ़े मेढ़े हो गए। तो चलो यार यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे कोई भी जानवर नहीं चाहिए सच में यार, मुझे देखो जानवर की बात करिए, जानवर हाजिर हो गए यहाँ पर। कौन है भाई? ओ तुम यार ऐसी घिनौनी आवाज़ें मत निकाला करो यार। मुझे पानी बंद करना पड़ेगा पहले, उससे पहले मैं इसे मारूं। मरना, ये जानवर यार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है यार। कितनी, अरे भाई कितना तेज आ रही थी यार, ये बहुत तेज आ रही थी। शिट, तो ये डह भी सकता है। ये जगह बंद करनी पड़ेगी सबसे पहले। चलो भाई, भाई एक तो ये जानवर है ना यार सच में, है कौन ये भाई? ओ ये क्या जानवर है, ये क्या जानवर है? क्रीपर है भाई साहब अंदर। तेरे मैं चप्पल मारूंगा, कौन है ये? मुझे डर लग रहा बुरी तरीके से। तुम लोग यहाँ कैसे स्पॉन हो रहे हो हैं? मेरा मन नहीं हो रहा वैसे नीचे जाने का, लेकिन पानी है तो मैं सोच रहा हूँ चला ही जाता हूँ। जय बजरंगबली। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, आओ तुम लोग आ जाओ पहले, आओ भाई साहब। इतने चांटे मारूंगा ना, इतने चांटे मारूंगा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाग यहाँ से। तू कैसे कर रहा है, तू क्या कर रहा है वहाँ पर, मुझे बता। मरना, एहे हे हे, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं यार, ये मरने के बाद ऐसी आवाज़ें करते हैं ना यार, बिल्कुल पसंद नहीं है। सरप्राइज, देखा कैसे सरप्राइज करते हैं हम। तो गाइज हम सो के सेव कर लिया हमने गेम, हम यहाँ से लेकिन निकल रहे हैं हम दूसरी जगह पे, दूसरी जगह। लकड़ी का ढांचा लगता है यहीं पे घूम रहा है।
नहीं ये इसकी आवाज़ है। ओके तो हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पर भी है भाई साहब और मैं यहाँ पर माइनिंग कर चुका हूँ जहाँ पर सिर्फ कोल ही कोल था और कुछ था ही नहीं यहाँ पर। देखो ये शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। हमारे पास बहुत सारा कोल है यार, ये क्या है, क्या ऑप्शन आ रहा है भाई साइड में, मुझे नहीं मालूम। भालू बेटे भालू 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 बच्चा कशाए कशाए। तो यहाँ से भी एक सुरंग जा रही है नीचे, यहाँ भी मैं कर चुका हूँ यार, मुझे ध्यान ही नहीं है। मैं मतलब इतना सारा मैं लूट लिया ना, भाई सबसे पहले जाके मैं टॉर्चेस लगाना पसंद करता हूँ। यहाँ ये कुछ नहीं है, फालतू का रूम है। भाई साहब ये मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ बढ़िया लूट मिलेगी हमें, है जी। वहाँ आगे लावा है, आयरन, तो यहाँ पर आयरन है। वो क्या गोल्ड है क्या वो, लेकिन मैं पहले से अपनी लूट लेके चलेगा। दो दो गोल्ड है भाई साहब यहाँ पर, एक मिनट लाओ भाई साहब। अब बनाएंगे हम एक स्टिक, नहीं है, डोंट हैव स्टिक। ओके तो हमें बनानी है पिकैक्स, ये रही आयरन पिकैक्स, तो मिल गया हमें गोल्ड। यहाँ पर और भी गोल्ड है भाई साहब, ओए होए गोल्ड मिला है गोल्ड, मज़े आ गए सच में। यस तो यहाँ पर लगता है गोल्ड ख़त्म हो चुका है। तो हम आ गए यहाँ पर और मैनू निकालना है ये, तो गाइज यार अभी जस्ट मैं यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये थोड़ा सा माइन कर दिया यहाँ पर और ये ऊपर से पूरी की पूरी मिट्टी मेरे ऊपर गिर गई, तो इसीलिए जगह भी तुम लोगों को चेंज दिख रही होगी अभी थोड़ी देर पर। मैं कुछ काम के लिए थोड़ा सा बाहर गया था इसीलिए मैंने उसे रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया था थोड़ी देर। आ गए हैं यहाँ पर, जब भूतों की आवाज़ें आती ना यार मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा ये तो यहाँ पर इसका मुंह यहाँ पर कर दिया बंद, ठीक है ये बंद हो गया यहाँ पर। अच्छा ये तो वही जगह है, तो आयरन ले लेते हैं ना, आयरन क्यों छोड़े हैं। बहुत सारा आयरन है यहाँ पर, ये रहा वो, ये हो गया पानी बंद, ठीक है।
ये रहा लावा, तो हम कर देते हैं लावा भी बंद। लावा भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पर, लावा ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। मैं इसे भी करूँगा बंद। चल भाई हो जा बंद। है जी, हुआ कि नहीं हुआ बंद? मुझे करना पड़ेगा ये भी बंद। और मुझे बंद करने के लिए यार पत्थर तो चाहिए। रेडस्टोन लैपिस लाजुली भी पड़ा है यहाँ पे। भाई साहब ये वैसे काफ़ी बढ़िया लूट है यार, मैं कभी कभी बेकार कह देता हूँ जगहों को, बट ये सही में हाँ बढ़िया जगह है, बढ़िया जगह विद बढ़िया लूट। चलो वो नहीं तो यही लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो इस जगह का एंड हो चुका है, चुका है। रेडस्टोन मिल चुका है हमें, और भी है। ये हो गई गलत चीज़, अब हम निकालेंगे लैपिस लाजुली। हैं? अरे भाई मेरी लूट गई क्या? सबसे पहले मैं ये तोड़ूंगा क्योंकि ये बेकार चीज़ है। और भी है भाई साहब। दिल खुश हो गया। तो ये जगह का एंड हो चुका है यहाँ पर। मैं किसी भी जगह को उसके एंड के हिसाब से माइन करता हूँ। शिट शिट, साढ़े दफा हूँ यहाँ से। आ गया आ गया आ गया, आ जा बेटे, हट, मुझे मारेगा बेटे, मुझे मारेगा। तुम अरे भाई यहाँ पर भी है लैपिस लाजुली जो भी है ये। कभी भी किसी भी चीज़ को भाई माइन करो तो उसके ऊपर खड़े होकर माइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार नीचे लावा निकल आता है। तू फटेगा कि नहीं फटेगा? चलट ये भी हुआ पानी बंद। मैं आई थिंक फंस चुका हूँ यहाँ पर। तो ये रास्ता ऊपर जा रहा है तो इसीलिए मैं यहीं पर इसी रास्ते से ऊपर जाऊंगा। और ये रास्ता हमें मिल चुका है ऊपर जाने का। और ये हम आ चुके हैं ऊपर। यस, तो फाइनली यार हम लोग काफ़ी लूट लेकर आए हैं यहाँ पर।
भाई साहब मेरा दिमाग ख़राब है यार, मैं गोल्ड वहीं पर छोड़ाया यार। अब मुझे लाना है गोल्ड यार, मेरा गोल्ड रह गया वहीं पे। तो यार हमें लगभग रास्ता मिल चुका है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये रहा हमारा पूरा सामान, ठीक है मैं ये ले ले रहा हूँ। और इसके अंदर भी कुछ था, ला भाई कोल दे दे। ज़्यादा कुछ था ही नहीं यार इसमें, ये तो बेकार। चलो फिर भी कोई नहीं यार, हमारा गोल्ड तो हमें मिल गया वापस। ओ भाई साहब, हट। अरे पता नहीं कहाँ से आया यार ये। अच्छा यहाँ से ऊपर से, तो हमें शायद रास्ता मिल गया है। हाँ तो भाई ये व्यक्ति हमें रास्ता दिखाने आया था, और फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। तो हम लोग लेकर आ चुके हैं अपना गोल्ड, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक हद तक भाई सही है। हमारा आर्मर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो हमें आज मिली बहुत बढ़िया लूट। एक स्टैक नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही है। तो आज की लूट बहुत ज़्यादा सही थी, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत गोल्ड मिला और बहुत सारा आयरन मिला, और एक स्टैक मतलब लगभग कह सकते हैं उसे एक स्टैक हमें मिली लैपिस लाजुली, जो कि मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ हमें मिली है वो। और बहुत सारा कोल मिला है, और काफ़ी हम लोगों ने माइनिंग भी कही। बहुत बढ़िया सा एडवेंचर रहा, एडवेंचर नहीं कहेंगे हम उसे, माइनिंग कहेंगे, ठीक है। हमने काफ़ी बढ़िया माइनिंग की। और हाँ एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हो और वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो यार मैं मिलूँगा माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय वंस अगेन। Underground.